राज्य में नई सरकार के गठन के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद से ईडी की लंबी पूछताछ के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बयान जारी कर कहा कि जिसे जो साजिश रचना है रच ले, जिस एजेंसी को लगाना है लगा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में अपने काम से जो लकीर खींच दी है उसे कोई छोटा नहीं कर पाएगा। इधर बिहार में सत्ता बदलने के बाद पोस्टर वॉर जैसी स्थिति बन गई है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने बीते रविवार को पटना की सड़क पर पोस्टर लगाया, इसके बाद अब मंगलवार को राजद के दफ्तर के बाहर लालू प्रसाद यादव का पोस्टर नजर आया। लालू यादव का पोस्टर उनके ईडी कार्यालय में पेश होने को लेकर लगाया गया है। इसमें एक कार्टून बना हुआ है, उसमें लालू यादव को कुछ लोग रस्सी क्रेन से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पर लालू को झुकेगा नहीं बोलते हुए दिखाया गया है। पोस्टर पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव का नाम भी लिखा गया है। इससे पहले राजद के मुख्य प्रवक्ता ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार गठन के महज कुछ घंटों के बाद ही एक सोची समझी साजिश के तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को परेशान करने के लिए पूछताछ के नाम पर घंटों बिठाकर रखा जाता है। एक बीमार व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करने के पीछे जो साजिश है जनता उसे समझ रही है। आगे उन्होंने कहा कि जनता तो मालिक होती है और काम के आधार पर भविष्य की बुनियाद तय करती है। महागठबंधन की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींच दी है वह अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जिस जांच एजेंसी को लगाना है लगा ले, जिस बुजुर्ग को परेशान करना है कर ले, जहां पलटना है पलट ले, हम अपने सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। चुनाव आ रहे हैं, हमारी मालिक जनता अपना फैसला सुनाएगी और तय करेगी कि सत्ता के लोभ में पलट जाने वालों के साथ रहेगी या विकास की लकीर खींचने वालों के साथ। वहीं बता दें कि राजधानी पटना में बीते रविवार को बिहार के कार्यवाहक सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार बना ली थी। इस दौरान जनता दल के समर्थकों ने राजधानी में नीतीश के पोस्टर लगाए थे। इस पोस्टर में नीतीश सबके हैं लिखा गया है।